नमस्कार, सक्षम न्यूज साठे को आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मोरबी में स्थित दरबारगढ़ पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ उस घटनास्थल का जायजा लिया जहां रविवार को पुल गिरने से 135 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी भी साथ में थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री को हादसे के संभावित कारणों और राहत और बचाव कार्य संबंधी विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में लगे दलों के सदस्यों से भी बातचीत की। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधा मोरबी सिविल अस्पताल गए, जहां वह घायलों और उनके परिवारों से मिले और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोरबी के एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने एक समीक्षा बैठक की। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री ने मौके पर पहुँचने से पहले इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया था। मोरबी में गिरा पुल दरबारगढ़ पैलेस को स्वामीनारायण मंदिर से जोड़ता था। इस बीच गुजरात सरकार के मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा है कि मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 135 हो गई है और अब तक 170 अन्य को बचा लिया गया है। मंत्री ने राज्य की राजधानी गांधीनगर में संवाददाताओं से कहा, सभी मृतकों के परिजनों को पहले ही गुजरात सरकार द्वारा घोषित 4-4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 2-2 लाख रुपये का मुआवजा जल्द ही उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद बचाए गए लोगों में से अब केवल 17 लोगों का मोरबी के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उधर अधिकारियों ने कहा है कि सशस्त्र बलों, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों द्वारा मच्छू नदी में बचाव अभियान अभी जारी है। दूसरी ओर पुलिस ने मच्छू नदी पर तारों का पुल टूटने के मामले में सोमवार को ओरेवा समूह ग्रुप के 4 कर्मियों समेत 9 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश काल के दौरान बने इस पुल के रखरखाव और संचालन का ठेका ओरेवा ग्रुप के मिला था। दूसरी ओर यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह गुजरात के मोरबी में पुल गिरने की घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने संबंधी जनहित याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष वकील विशाल त्रिवेदी ने कहा कि उन्हीं की जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा, आप क्या चाहते हैं? वकील ने कहा, मैं उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक आयोग से न्यायिक जांच कराने की अपील कर रहा हूं। पीठ ने कहा कि जनहित याचिका को 14 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। हम आपको बता दें कि जनहित याचिका में कहा गया है कि दुर्घटना के कारण पुल गिरा, जिसके परिणाम स्वरूप 134 से अधिक लोग हताहत हुए। यह सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और पूरी तरह से उनकी विफलता को दर्शाता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुल हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए मोरबी के सरकारी अस्पताल का दौरा करने के मद्देनजर उसे रातों रात चमका दिए जाने की खबर ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। मजदूरों को 300 बिस्तर वाले अस्पताल के एक हिस्से को साफ करते तथा पेंट करते हुए देखा गया। हम आपको बता दें कि यह अस्पताल भूतल के साथ 2 मंजिला बना हुआ है। अस्पताल के प्रवेश द्वार के कुछ हिस्सों पर पीले रंग का पेंट किया गया, जबकि अस्पताल के भीतर कुछ हिस्सों पर सफ़ेद पेंट किया गया। कांग्रेस ने मोरबी के अस्पताल में हो रहे मरम्मत के काम की तस्वीरें ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस द्वारा ट्विटर पर पोस्ट की गई तस्वीरों में मोरबी के अस्पताल के भीतर रात भर चले मरम्मत के काम को दिखाया गया है। इसमें पेंट करना, दीवारों पर नई टाइल लगाना और छोटे मोटे निर्माण कार्य शामिल हैं। कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा, त्रासदी का इवेंट, कल प्रधानमंत्री मोदी मोरबी के सिविल अस्पताल जाएंगे, उससे पहले वहाँ रंगाई पुताई का काम चल रहा है, चमचमाती टाइल्स लगाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर में कोई कमी ना रहे, इसका सारा प्रबंध हो रहा है, इन्हें शर्म नहीं आती, इतने लोग मर गए और ये इवेंटबाजी में लगे हैं। ऐसे ही कुछ शब्द और आरोप आम आदमी पार्टी ने भी अपने ट्वीटों के जरिए बीजेपी पर लगाए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।